स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। जैसे कि आप सभी द्वारा बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि PMMVY का जो पेमेंट है वो हम लोग कैसे चेक करें कि हम लोग का पेमेंट आया या नहीं आया, इसके बारे में आप सभी का बहुत सारा कमेंट था। तो इस वीडियो में आप सभी का पूरा डाउट क्लियर किया जाएगा कि आप सभी का जो पेमेंट है क्या प्रोग्रेस है। आप लोग घर बैठे, आप लोग कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है, आप लोग घर बैठे अपने मोबाइल से चेक कर सकते कि आपका पेमेंट का क्या प्रोसेस है और कहाँ तक आपका पैसा आया है। इसमें आंगनबाड़ी सेविका अगर अपना मानदेय भी देखना चाहती है तो वो भी देख सकती है, या कोई भी सरकारी गवर्नमेंट को जो पैसा दिया जाता है आप लोग घर बैठे अपने मोबाइल से चेक कर सकते हैं कि उसका प्रोग्रेस क्या है, कब तक आपके बैंक में क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, चलिए जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि PMMVY का ये आप लोगों को लिस्ट दिखाया जा रहा है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अप्रूवल डेट यहाँ पर दिख रहा है कि अप्रूवल हो चुका है, बहुत सारे का अप्रूवल यहाँ पर देखिए दिख रहा है आपको अप्रूवल हो चुका है, लेकिन बहुत सारे का देख सकते हैं आप लोग पेमेंट इन प्रोग्रेस दिखा रहा होगा आपको, पेमेंट इन प्रोग्रेस यानी कि इनका पेमेंट जो है प्रोग्रेस में चला गया है, PFMS के माध्यम पर चला चुका है, लेकिन इनका बैंक में अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ है। क्योंकि जब क्रेडिट हो जाएगा तो यहाँ पर आपको लिस्ट में अमाउंट में पेड दिखा जाएगा, जैसे कि आपको देख रहे हैं यहाँ पर पेड़ दिखा जाना चाहिए, लेकिन इनका देखिए प्रोग्रेस दिखा रहा है बहुत सारे का, यहाँ पर देखिए प्रोग्रेस दिखा रहा है। तो क्या कारण हो सकता है? तो इनका कारण है कि इनका बैंक में कोई प्रॉब्लम है, या तो KYC नहीं किए होंगे या तो बहुत सारे कुछ बैंक में इनका प्रॉब्लम है, तो ये लोग बैंक में जाके पता करेंगे। आप लोग कैसे आप लोग देख पाइएगा कि आप लोग PMM का फॉर्म जो है सिटीजन से भरे होंगे या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से भरवाए होंगे, कहीं से भी आप लोग भरे होंगे, तो कैसे चेक कीजिएगा कि आपका पेमेंट कहां तक आया है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, कुछ चलते हैं सबसे पहले हम लोग प्ले स्टोर पे कि कौन सा एप्लीकेशन आपको देखना है, और आएंगे हम लोग सबसे पहले प्ले स्टोर पे। देखिए आप लोगों को जो प्ले स्टोर जहां भी आप लोगों को मिल जाता है, आप लोग इसे प्ले स्टोर आपको मिल जाएगा। आप लोग क्या कीजिएगा, यहां पर सर्च कीजिएगा उमंग ऐप, यहां पर आप लोग जिस प्रकार से देखिए हम लोग लिखे चुके हैं UMANG उमंग ऐप, आप लोग जैसे सर्च कीजिएगा तो आपके पास देखिए उमंग ऐप का जो आप लोग को ऐप है ये आपको दिख जाएगा इस प्रकार से। ये भारत सरकार से द्वारा रजिस्टर्ड है, ये बिल्कुल फेक एप्लीकेशन नहीं है, आप लोगों को बता दें ये भारत सरकार के द्वारा रजिस्टर्ड है। तो इसमें आप लोग आसानी से देख सकते हैं, इस एप्लीकेशन को आप लोग क्या कीजिएगा डाउनलोड कर लीजिएगा। मेरे में डाउनलोड है तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे ओपन पर क्लिक कर लेंगे। आप लोग को PFMS के माध्यम से आप लोग देखते थे अपने ब्राउजर में जाके, लेकिन वही आप लोगों को देखना है यहाँ पर, लेकिन इसमें कुछ और नया सिस्टम है, उसमें आपको OTP का सिस्टम आ चुका है कि जब तक आप लोग OTP नहीं डालते तब तक आपका पेमेंट नहीं दिखाता है, लेकिन आप इसमें आपको बिना OTP और बिना आप लोगों का मोबाइल लिंक से आप माध्यम से देख सकते हैं। देखिए आप लोग क्या करना है, नेक्स्ट पर क्लिक करते आना है आपको। पहली बार अगर आप लोग आ रहे हैं इसमें आपको लॉग इन एंड स्किप का दूसरा ऑप्शन मिलेगा, सबसे पहले आप लोगों को इसमें अलाउ करना है लोकेशन, पहले ऊपर वाला अलाउ एप्लीकेशन को अलाउ करेंगे। एप्लीकेशन को अलाउ देने के बाद आप लोगों को यहाँ पर सबसे पहले मांगा जाएगा आपका मोबाइल नंबर एंड MPIN। अगर आप लोग इसमें पहली बार लॉगिन कर रहे हैं तो आप लोगों के पास यहाँ पर MPIN नहीं मांगा जाएगा। आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर नीचे में आपको दिख रहा है एक पेज रजिस्टर्ड है, यानी कि रजिस्टर्ड आपको करना है सबसे पहले। अगर आप लोग पहली बार इसमें विजिट कर रहे हैं तो आपको पहले रजिस्टर्ड करना है। अगर आप लोग इसमें पहले भी आप लोग अपना ID बना चुके हैं, यानी कि ID मतलब कि बस मोबाइल से इसमें लिंक कर चुके हैं, यानी कि मोबाइल से एक बार इंटर कर चुके हैं, अगर आप लोग पहले भी भविष्य में कभी भी कोई मोबाइल नंबर से अगर आप लोग लॉगिन कर चुके हैं तो उसमें आप लोग यहाँ पर मोबाइल नंबर डालिएगा और आप लोग यहाँ पर MPIN डालिएगा। MPIN मतलब कि अपने मन से कोई 4 अंक का पिन बना सकते हैं आप लोग। अगर आपको मोबाइल MPIN भूल गए होंगे तो आप लोग फॉरगेट MPIN पर कर सकते हैं। चलिए हम लोग फटाफट से हम लोग अगर नया अकाउंट बनाना चाहते हैं रजिस्टर पर हम लोग क्लिक करेंगे रजिस्टर है पर। यहाँ पर आप लोग क्या कीजिएगा अपना मोबाइल नंबर डालिएगा, जो भी आपका मोबाइल नंबर है, अगर आपके पास मोबाइल नंबर बैंक से लिंक वाला है तो वो डालिएगा तो आसानी से आप लोग चेक कर सकते हैं। ऐसे अगर यहाँ पर कोई भी डालिएगा तो चेक कर सकते हैं आप लोग। ये प्रोग्रेस था लेकिन हो सकता है कि अपडेट हो जाए तो आप सभी को ना दिखाई दे, क्योंकि हम लोग बहुत सारे वीडियो बनाते हैं आप सभी के पास जाते जाते इसमें अपडेट हो जाता है, तब तक यहाँ पर फिर चेंजिंग किया जाता है कि लगातार एप्लीकेशन में अपडेट आते रहता है, तो हो सकता है कि चेंजिंग कर दे तो फिर आप लोग नहीं देख पाए, तो इस प्रकार से फिर समस्या हो सकती है आपके साथ। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास मोबाइल नंबर जो बैंक से लिंक है वो आपके पास अवेलेबल है तो आप लोग वही नंबर को डालें, ठीक है, ज्यादा कोशिश करें कि वही मोबाइल को यहाँ पर डालें। आप लोग मोबाइल नंबर डालिएगा और यहाँ पर टिक कीजिएगा, यानी कि एग्री पर क्लिक कीजिएगा, और जैसे एग्री पर क्लिक मोबाइल नंबर डालिएगा रजिस्टर पर क्लिक कीजिएगा तो आप लोग रजिस्टर कर लीजिएगा और OTP आपके पास मोबाइल पर जाएगा, OTP आप लोग डाल लीजिएगा और आसानी से आप लोग वेरिफिकेशन कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पर पहले से वेरिफिकेशन कर चुके हैं, हम लोग फटाफट से मोबाइल नंबर एंड MPIN को डालते हैं और लॉगिन कर लेते हैं। सिंपल प्रोसेस है, यहाँ पर मोबाइल नंबर डालिए एंड 4 अंक का MPIN बना लीजिएगा, जो भी 4 अंक का 1 2 3 4 जो भी बनाने का मन है आपको बना सकते हैं। देख सकते हैं जैसे कि आप लोग MPIN डालिएगा तो आपके पास सबसे पहला जो पेज आएगा इस प्रकार से आएगा अलाउ उमंग ऐप टू सेंड नोटिफिकेशन, यानी कि आप क्या चाहते हैं कि आपको उमंग ऐप का नोटिफिकेशन आपको मिले, तो आप लोग चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग डोंट अलाउ पर क्लिक कर सकते हैं, यानी इसका नोटिफिकेशन है जो आपको नहीं मिलेगा। अगर आप लोग अलाउ करते हैं तो आपका जो भी इसमें SMS आता है तो आपको अलाउ हमेशा करते रहेगा, हमको इससे मतलब नहीं है। हम लोग को अब चेक करना है बैलेंस, आपको देखिए कोई भी कुछ नहीं करना, बस आपको एक बार आपको मोबाइल से लिंक करना है और आपको कुछ भी इसमें बनाने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपल यहाँ पर आपको एक सर्च टैब का ऑप्शन दिख रहा होगा ऊपर में, आपको यहाँ पर देखिए आपको सर्च इन उमंग आपको लिख के यहाँ पर ऊपर में दिख रहा होगा सबसे ऊपर में, आपको इसी पर आपको क्लिक करना है। इस पर आपको
क्लिक कर देना। इस प्रकार से क्लिक कीजिएगा, आपके पास इस प्रकार से बहुत सारा पेज आएगा। फिर आपको सर्च उमंग पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको सिंपल लिखना है PFMS, यानी कि ये पोर्टल है जिस पर कि आप लोग PFMS जहां पर चेक करते हैं वेबसाइट पे, वही पोर्टल है। लेकिन इसमें आपको OTP का जनरेट नहीं रहेगा, OTP आपके मोबाइल पर नहीं प्राप्त होगा। आपको क्या करना है, PFMS इसको लिखिएगा, इसलिए क्योंकि जो भी सरकारी गवर्नमेंट का पैसा आता है DBT के माध्यम से, वो आपको PFMS वेबसाइट पे ही दिखता है। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, PFMS जैसे आप लोग लिखते हैं उसके बाद आप लोग सर्च टैब पर क्लिक करते हैं तो आपके पास बहुत सारा ऑप्शन आएगा, लेकिन आपको कहीं भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए आपको बहुत सारा ऑप्शन दे देगा परेशान करने के लिए, चेंज बेनिफिशियरी DBT, बहुत सारा ऑप्शन दिखी दे रहा है, लेकिन इस पर आपको नहीं देखना है। आपको देखना है नीचे में आपको दिख रहा होगा, यहां पर आपको दिख रहा होगा PFMS, यानी कि आप लोगों को यहां पर गवर्नमेंट इन पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम से द्वारा वही आपको पेमेंट दिखेगा। यानी इसमें आप लोगों को बता दें जो भी गवर्नमेंट के द्वारा यानी कि DBT के माध्यम से, जो कि आधार कार्ड के माध्यम से पेमेंट आ रहा है, जैसे कि हो गया PMMVY की योजना, मनरेगा जॉब का, या जो भी गवर्नमेंट का जो पैसा आता है उसी को आप लोग यहां पर चेक कर सकते हैं। आप लोग चाहिएगा कि हम लोग कोई भी बैलेंस चेक कर सकते हैं, जैसे कि अगर कोई आपका मतलब कि परिवार भेजा है या कोई रेशन से भेजा है तो वो पैसा आप लोग चेक कर चाहिएगा तो वो आपको नहीं दिखेगा। इसमें आपको दिखेगा सिर्फ गवर्नमेंट के द्वारा जो भेजा जा रहा है राशि, उसी को देख सकते हैं आप लोग। तो चलिए इस पर हम लोग क्लिक कर देते हैं। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करते हैं तो आपके पास देखिए इस प्रकार से न्यू पेज ओपन होगा, जनरल सर्विस आपको दिख रहा है यानी कि सामान्य सर्विस आपको दे रहा है। आपको देखिए सबसे पहला ऑप्शन जो दिख रहा है, नाउ योर पेमेंट स्टेटस, इसी पर आपको क्लिक करना है। नीचे में आपको देखिए ट्रैक योर NSP, तो ये नेशनल स्कॉलरशिप पेमेंट के बारे में होता है जो कि बच्चे भरते हैं स्टूडेंट के लिए है। तो आप लोगों को क्या करना है, नाउ पेमेंट स्टेटस पर क्लिक कर देनी है। जैसे आप लोग क्लिक करते हैं इस प्रकार से आपके पास पेज ओपन होगा। पहले क्या था कि मोबाइल नंबर यहां पर आपको दिख रहा हो जाएगा, जो ये मोबाइल नंबर आप लोग जो भी लिंक किए होंगे वही मोबाइल नंबर आप दे दिया है, तो ये थोड़ा सा समस्या कर दिया। पहले क्या था, मोबाइल नंबर आपको कोई भी डाल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन आप यहाँ पर मोबाइल नंबर जो है जिससे आप रजिस्टर्ड करते हैं उसी को यहाँ पर देखिए दे दिया, और इसमें भी स्टार लग गया। तो स्टार लगने का मतलब है कि इसमें आप लोगों को देना अनिवार्य है, तो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर नहीं मांगेगा क्योंकि ये पहले से ले लिया है। अब आपको सबसे पहले ऊपर मांग रहा है अकाउंट नंबर, जिसका आप लोग बैलेंस चेक करना चाहते हैं जो कि PFMS के माध्यम से आया होगा, उसका अकाउंट नंबर डालिएगा एवं बैंक का नाम यहाँ पर सिलेक्ट कीजिएगा, यहाँ से आप लोग सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पर आप बैंक का नाम लीजिएगा, जो भी लिखिएगा तो आपको उसके सजेस्टिंग में आपको देखने को भी मिल जाएगा। देखिए आप लोगों को बता दें थोड़ा सा समस्या का आपको सामना करना पड़ेगा कि आप लोगों को लग रहा होगा कि हम तो PMM का फॉर्म भरे हैं लेकिन ये नहीं पता है कि किस अकाउंट में बैलेंस जाएगा, ये आप सभी को नहीं पता है। हम जानते हैं कि वहाँ पर आप अकाउंट नंबर नहीं मांग रहा है, आपके आधार से ही मांग रहा है। तो आपको आपके पास जो भी मतलब कि अगर दो अकाउंट है तो दोनों का आप लोग ट्राई कर सकते हैं, एक एक बार में ट्राई कर सकते हैं कि किस में गया होगा। तो आप लोग क्या कीजिए, जब आप लोग फॉर्म भर रहे हैं उसके एक या दो वीक के बाद ही आप लोग ट्राई कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपका प्रोसेसिंग अभी चलेगा। एक बार आप लोगों को बता दें कि नेक्स्ट वीडियो आप लोग हमारा जरूर देखिएगा, उसमें आप बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को देने वाले हैं PMM संबंधित। अगर आपके पास ID आपके पास है तो किस प्रकार से आप लोग अपने पेमेंट स्टेटस चेक कीजिएगा, ये आपको हम अगर आप लोगों का ये इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं एंड ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट करते हो तो हम लोग उस वीडियो को लाएंगे जिसमें कि आप लोग देख सकते हैं कि अपने ID से किस प्रकार से देखें कि आपका पेमेंट क्या प्रोसेस है। ठीक है, फिलहाल अभी आपको दिखाते हैं, आप लोगों को अकाउंट नंबर डालना है एंड बैंक यहाँ पर सेलेक्ट करना है। फटाफट से हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं। जैसे आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग अकाउंट नंबर डाल चुके हैं, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, बैंक का नाम हम लोग डाल रहे हैं। तो आप लोगों के लिए दिखाना जरूरी था कि आप लोग कैसे बैंक का नाम सेलेक्ट कीजिएगा। जैसे कि मेरा बैंक है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, हम लोग लिख देंगे यहाँ पर सेंट्रल, हम लोग देखिए हम लोग सेंट्रल लिखें, बैंक लिखें, ऑफ इंडिया लिखेंगे हम लोग, ऑफ इंडिया। देखिए जैसे हम लोग थोड़ा सा भी मतलब कि जो मैचिंग हुआ इसके रिगार्डिंग, जो भी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, देखिए यहाँ पर आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन दे दिया है, यहाँ पर आप लोगों को सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिया है। तो आप लोगों को चूज करना है यानी कि सेलेक्ट करना है, ना कि आपको लिख देना है, उसको आपको नहीं रखना है, आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना ही होगा जो बैंक आपके पास आया है रिगार्डिंग इसके नाम के रिगार्डिंग, वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे आप ओके कीजिएगा तो देखिए सभी कैपिटल में लिखा चुका है हम लोग सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये सेलेक्ट हो चुका है। अब आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ पर मोबाइल नंबर आपका तो यहाँ पर है ही, उसके आपका अकाउंट नंबर आप डाल चुके हैं, आप लोगों का नाम भी आ चुका है बैंक का। अब आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग यहाँ पर स्टेटस यानी कि सबमिट पर क्लिक कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे आप लोग सबमिट पर क्लिक करते हैं तो देखिए कुछ केस में आप इस प्रकार से आपको दिख जाएगा कि आपका जो मोबाइल नंबर इस प्रकार से मतलब कि लिखेगा, त्रुटि का सामना आपको करना पड़ा। तो हो सकता है कि आपका जो अकाउंट नंबर है वो लिंक ना हो, या तो इसका सर्वर कभी डाउन रहता है तो डाउन के कारण आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा। तो आप लोग फिर से टाइप कीजिएगा कुछ समय के बाद तो ये आपको दिखेगा। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर अकाउंट नंबर जो है हम गलत डाल रहे थे, इसलिए हम लोग के पास इस प्रकार से त्रुटि दिख रहा था। हम लोग फिर से यहाँ पर अपडेट कर चुके हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पर सेंट्रल
गवर्नमेंट जो भी मतलब हम लोग का बैंक का नाम है हम लोग डाल चुके हैं, मोबाइल नंबर यहाँ पर डाला हुआ है। अब हम लोग फिर से यहाँ पर क्या करेंगे, सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे आप लोग सबमिट पर क्लिक कीजिएगा आपका प्रोग्रेस जो दिख जाएगा, देखिए आप लोग वेलकम टू योर, यानी कि जिससे आपका पेमेंट ज़्यादा से आ रहा है जो अभी नज़दीक में आया होगा उसको ऊपर में आप लोगों को वेलकम के तौर पर आपको दिखेगा, यानी कि ऊपर जितना भी पेमेंट आपका आया होगा आज जिस विभाग से आया सभी विभाग का आपको नाम दिख जाएगा। देखिए सभी जितना भी आया सब गवर्नमेंट हिसाब से आया, इसलिए सभी का विभाग का नाम दिख रहा है, आपको दिख रहा है सभी जो है गवर्नमेंट के द्वारा आया है। इसमें आप लोगों का पीएमएम भी का पैसा आया होगा तो भी आपको यहाँ पर दिख जाएगा, विभाग से आपका पेमेंट आया होगा सारा आप लोगों को यहाँ पर दिख जाएगा। आपको जिसको भी क्लिक करना है उसका आप लोग क्लिक करके जो पेमेंट आया है उसको आप लोग देख सकते हो। तो चलिए फटाफट हम लोग यहाँ करके क्लिक कर लेते हैं। जैसे कि इस पर क्लिक करते हैं आपका जो स्टेटस है क्या भी आपका दिख रहा होगा या आपको दिख जाएगा, देखिए आसानी से आप लोग देख सकते हैं आप यहाँ पर आ चुका है कि क्या आपका प्रोग्रेस है, क्या आपका पेमेंट अभी तक कहाँ तक आया है, ये सारा आपको दिख जाएगा। आप लोग थोड़ा सा बेक भी आइएगा, उसके बाद थोड़ा सा कट भी कीजिएगा और उसके जो भी फाइनेंस मतलब बारी बारी कर सके आपको सभी का दिख जाएगा। तो आसानी से आप लोग इस वीडियो के मतलब के माध्यम से आप लोग आसानी से अपना घर बैठे कहीं भी आपको जाना जरूरत नहीं है, आपको बैंक भी जाना जरूरत नहीं है कि आपका क्या प्रोसेस है आप लोग देख सकते हैं। आप लोग नेक्स्ट वीडियो हम लोग का जरूर देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जैसे हम लोग डालेंगे आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। आप लोग वीडियो को जरूर देखिएगा कि आप लोग जब अप्लाई करते हैं तो कितने दिनों के बाद आपका पेमेंट क्या है, प्रोसेस क्या है, स्टेटस क्या है, सारा आप लोग देख सकते हैं। कि आपके पास स्टेटस का अभी सेक्शन नहीं दिया गया है आपके पीएमएमवीवाई के ऑप्शन में, लेकिन हम आप लोगों को स्टेटस दिखाएंगे कि क्या प्रोग्रेस है, कहाँ तक गया है, ये सारा आप लोग देख सकते हैं। तो प्लीज आप लोग हमको नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।